की फैमिली में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं दीक्षा, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। मैं तो आप लोगों की दुआओं से, प्यार से और सपोर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं समथिंग, और आज है 15 जनवरी। मतलब आज के दिन मकर संक्रांति के दूसरे दिन हम लोग के घर में बनाते हैं भजिए, तो वो तो शाम को बनाऊंगी, बट उसके पहले, हाँ क्या, उसके पहले हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। मैंने सोचा कि यार पीहू घर में बोर हो जाती, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा घुमा दूँ यहीं कहीं पार्क वगैरह में, तो उसको वहीं लेके जा रही हूँ। वो रेडी नहीं हुई है, बट मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, और वो छिछी पिछी पता नहीं क्या क्या कर रही है। तो चलिए अब हम मिलते हैं। छिछी नहीं है बेटा ये, पीहू ने कुछ भी नहीं किया, कंघी वगैरह कुछ नहीं, टी शर्ट पहननी है पीहू को, जैकेट पहननी है। पीहू हेलो बोलो, किसी कर दो, अच्छा किसी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, बाय, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधा, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ, तब तक के लिए बाय। वेलकम बैक। क्या कर रही हो? चलो जूते लेके आओ अपने, जाओ जूते पहनाइए आपको। यार मैं रास्ते में जा रही थी ना, मुझे ये फ्लावर दिख गए, छोटी सी नर्सरी थी तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं यहाँ से 2 फ्लावर वाले ही प्लांट लेके आई हूँ। एक सेवंती का पेड़ व्हाइट कलर का, और एक लेके आई हूँ ऑरेंज कलर की गुड़हल, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारे, जिसमें ऑलरेडी फूल आ चुके हैं, मतलब उसमें बहुत सारी कलियाँ थी जिसमें 3 या 4 फूल खिल चुके हैं, तो बहुत ही प्यारी थी। और मुझे जहाँ ग्रीनरी दिखती है ना, वैसे ही रुक जाती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी पार्क, क्योंकि यार बच्चों को थोड़ा सा घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको दुनिया दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब उनको पता चलता है कि हाँ क्या है कैसा है। तो यशोगा गार्डन का ही पार्क है नर्मदा पार्क, बहुत ही प्यारा पार्क है, मुझे यहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है। अभी 3 दिन से ही ये खुला है, तो ये हेलोइन मैं उसको दिखा रही थी, समझा रही थी कि क्या है कैसा, लेकिन वो पानी देख के ना पागल हो जाती है, मम्मम 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 करके। तो बस यही है, मैंने सोचा कि यार घुमा दूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर घर में कैद रहते हैं, मेरी बच्ची तो दिन भर घर में ही पैक रहती है, उसको मैं कहीं नहीं निकालती हूँ, तो इस चक्कर मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा सा घुमा दो तो फ्रेश फील करेगी, उसके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा घूम लेती हूँ। बहुत ही प्यारा पार्क है यहाँ पे, अमरकंटक जबलपुर का जो भी मतलब है, महाकालेश्वर महेश्वर ये सारी चीज़ें हैं, और देख सकते हैं आप पानी का नज़ारा बहुत ही सुंदर। और यहाँ जाके ना मेरी पीहू बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है, यहाँ पे 2 ब्रिज हैं जिसपे उसको जाना, वहाँ से पानी को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इस चक्कर में मैं उसको ले आती हूँ। और मैं वीडियो इसलिए लेट डाल रही हूँ क्योंकि अभी 2 दिन से थोड़ी सी मेरी तबीयत डल थी, इस चक्कर में मैंने वीडियो एडिट नहीं किया। शूट तो मैं करके रख लेती हूँ, बट एडिट करने में मुझे बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि अभी हैबिट नहीं है ना इतनी ज़्यादा एडिटिंग करने की, तो इस चक्कर में। वो यहाँ देखो आप, अब पीहू को वो पानी देख के ना बहुत ही, और सर्दी यार सच में इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही, इसलिए मैं इसको जैकेट वगैरह सारा कुछ पहना के रखती हूँ। देखो वो कैसे चढ़ रही थी, वो उसको बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देखने में, इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि यार थोड़ा सा वो घूम ले तो उसको भी अच्छा फील होगा। उसके बाद मैं उससे बात बात करने लगी थी, उसको बताने लगी थी कि बेटा ये यहाँ ये ऐसा ये वैसा बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ लड़के सेल्फी ले रहे थे, उस बीच में पीहू घुस गई। और ये है जबलपुर का जो भेड़ा घाट वाला डैम है ना, उस तरीके से कुछ ये डिज़ाइन किया गया है। तो देखो आप, यहाँ पे हिरण वगैरह है, ये मंडला का कुछ है, मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ जाके। तो अब इन्जॉय कीजिए आप वीडियो को और पीहू की मस्ती को, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अपने घरों में सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। इधर आओ। तो अभी मैं आई हूँ पार्क, जो कि मेरे घर के ही पास है, और यहाँ लगातार पीहू बराबर से मस्ती कर रही है। और अभी मैं बैठी हूँ छोटे से ब्रिज में, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पार्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है निष्ठा और ये रही पीहू। पीहू देखो, अरे देखना, देखो तो देखो, देखो चीची चीची चीची।
चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे घर जाके। ये बात पीहू यार बहुत ही ज्यादा निडल लड़की है, उसको किसी चीज से डर नहीं लगता, बल्कि उसको बहुत ज्यादा मजा आता है। अब देखो यहाँ से कैसे खिसक रही थी, चढ़ रही थी, खुद से सारी चीजें कर रही थी, मतलब उसको खिसक पट्टी जो होती ना उस पर खिसकना बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अपने हाथ से चढ़ रही थी देखो पकड़ पकड़ के, जबकि और जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़ा सा डरते हैं। उसके बाद मैंने भी यार अपने बचपन वाले दिन याद कर लिए, तो उसके साथ मैंने भी एक बार ट्राई कर लिया। ये है खुशी, निष्ठा, हम तीनों लोग गए थे। मतलब बच्चे बच्चे जाते हैं ना तो थोड़ा उनको भी अच्छा फील होता है, और मुझे भी लगता है कि ठीक है यार बच्चों के साथ खेल लेते हैं बच्चे। यहाँ पे वो चढ़ रही थी लेकिन चढ़ नहीं पा रही थी। यार मुझे पीहू को देख के ना अपने बचपन वाले दिन बहुत ज़्यादा याद आ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने बचपन वाले दिन अपने बच्चों के साथ ही जी पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना बचपन तो देखा नहीं। मैंने अपना बचपन नहीं देखा कि मैंने कैसे क्या किया, लेकिन मैं पीहू को देख के समझ सकती हूँ कि हाँ मेरा बचपन या मेरे पति का बचपन ऐसा रहा होगा। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और कहीं भी हो यार बच्चों को अगर आप थोड़ा सा घुमाओगे नहीं, दिखाओगे नहीं उन्हें चीज़ें, तो उन्हें दुनिया की समझ नहीं होगी, मुझे ऐसा फील होता है। इसलिए मैं उसको थोड़ा बहुत करके घुमा देती हूँ। ये देखो मैं उसको दिखा रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी घर, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक दिन बाद हम लोग यहाँ बनाते हैं भजिए, तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल 3 कटोरी है ये, उसको अच्छे से गला लिया था 2-3 घंटे के लिए, और यहाँ पे मैंने हरी प्याज काट के रखी थी और इसको भी अच्छे से धो लिया था, कुछ लहसुन की कलियाँ, कुछ मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, इसको पेस्ट बना के मैं इसी दाल में पीस के डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरा पेस्ट हो गया था रेडी। उसके बाद मैं पीसने जा रही हूँ मूंग की दाल। अगर आप किसी किसी के घर में बनाते हैं, मतलब बुंदेलखंड में तो बनाते हैं इसको, तिलैयां बोलते हैं आपके यहाँ, पता नहीं क्या बोलते होंगे, या हो सकता है बुंदेलखंड से अलग देशों में या अलग जगह नहीं बनाते हों, लेकिन हम लोग के यहाँ जो होती है ना संक्रांति उसके एक दिन बाद बनाते हैं, तो मैंने भी बनाए थे। और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है भजिए वगैरह, बट ठीक है मगोड़े मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, खा लेती हूँ। तो ये मेरा पेस्ट हो गया था रेडी, इसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला था, और बहुत ज़्यादा भजिए तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने कहा 2-2 पूड़ी खा लेंगे और थोड़े थोड़े भजिए खा लेंगे, तो जो भी मैंने काट के रखा था मेरे हस्बैंड ने तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। आप देख सकते हैं हरी प्याज आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे, तो इसलिए मैं उसको हर चीज़ में मिला लेती हूँ। उसके बाद कुछ इसमें मिर्ची है, कुछ हरी प्याज है, कुछ धनिया है, सारा कुछ मिक्स करके इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, क्योंकि ब्लेंड नहीं सॉरी अच्छे से मिलाना है। जब तक कि अच्छे से आप इसको फेंटेंगे नहीं ना तो भजिए जो होते हैं ना फूले फूले नहीं रहते और कड़क से बनते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा बैटर मेरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं जाऊँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी कढ़ाई, और मैंने फ़ोन को ना अपने फ़िल्टर के ऊपर रख दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं ऊपर नीचे हो सकता है वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी सी आपको लग सकती है कि हाँ गिरी हुई है, तो उसके लिए सॉरी, बट आप प्लीज़ मैनेज करना। उसके बाद मैंने आटा भी थोड़ा सा गूंध लिया था, मैंने सोचा कि ठीक है यार पूड़ी बना लूँगी। सुबह मैंने बनाई थी सब्ज़ी, किसकी यार सब्ज़ी यार, वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं नाम भूल गई, क्या बोलते हैं यार क्या बोलते हैं मेरे को नहीं याद, बट ठीक है। तो मैंने सोचा उसी सब्ज़ी को गर्म करके, क्योंकि सुबह बनाया था मैंने खाना, तो मैंने सोचा कि यार भाई सब्ज़ी बची है तो उसको फेंकेंगे तो है नहीं, तो इससे अच्छा ये कि गर्म करके खा लो। कोई भी हाउस वाइफ हो बचा हुआ खाना कभी नहीं फेंकती, मुझे ऐसा लगता है, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है मैं तो कभी नहीं फेंकती। हाँ रोटियां होती हैं कि बहुत सारी बच गई हैं तो आप गाय को दे दें, बट सब्जी अगर सुबह की शाम को बची है या शाम की सुबह को बची है तो मैं खा लेती हूँ, और आटा भी मैं रख देती हूँ, तो मैं सुबह भी कुछ भी चीज़ बनानी होती है मैं बना लेती हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले सेकी थी पूड़ी, और हाँ ये बन रही है सब्ज़ी, मैंने गरम कर ली क्योंकि खाना गरम गरम ही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो सुबह का हो शाम का हो कभी कभी हो, लेकिन आप गरम करके खाएंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी फूली फूली पूड़ी, ओह माय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन क्या होता है ना कि गरम गरम खाना बहुत जल्दी नसीब नहीं होता हम लोगों को, क्योंकि बना के देना गरम खाना, लेकिन जब हम खुद बना के अपने लिए रखते हैं ना तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन माँ बाप के दिए संस्कार हैं कि पहले भाई सबको खिलाओ फिर खुद खाओ, तो बस यही है। उसके बाद मैं चम्मच से ही भजिए डाल रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हाथ से भजिए डालने में मिर्ची लग जाएगी हाथ में, उसके बाद मुझे पीहू को खाना खिलाना होता है या कुछ भी उसका मुंह धुलाना है कुछ भी करना है, तो मुझे ये डर लगता है कि उसकी आँख में मिर्ची ना लग जाए, तो इस चक्कर में मैं चम्मच से ही डाल देती हूँ। एक शेप भी हो जाता है गोल से भी और तिरछे से, क्योंकि मूंग के जो मगोड़े होते हैं ना मूंग की दाल के, वो आप तिरछे भी खा सकते हैं गोल भी खा सकते हैं, जैसा आपका मन हो आप वैसा बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसे आते हैं कैसे आपसे बन रहे हैं।
तो इस तरीके से मैंने बनाए थे और बहुत ही टेस्टी भजिए थे। इसमें जो अदरक लहसुन और मिर्ची वाला पेस्ट होता है ना, बहुत ही मज़ेदार स्वाद दे के जाता है, तो मुझे बहुत पसंद है। बस 2 से 4 ही खाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट बहुत ही प्यारे। देखो आप, और हमेशा आप मीडियम गैस पे ही भजियों को पकाएं, क्योंकि अगर आप बहुत हाई फ्लेम में पकाएंगे ना तो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे भजिए अपने तल लिए थे बहुत ही, और चटनी जो मैंने बनाई थी वो टमाटर की रेगुलर जो चटनी होती है वही, तो बस चटनी सिलबट्टे पे मैंने चटनी बनाई थी, तो बहुत अच्छी लगती है। सिलबट्टे वाली चटनी भी कभी कभी खा लेना चाहिए, क्योंकि ना वो बहुत अच्छी टेस्ट होता है उसका। सिलबट्टे वाली जो चटनी होती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट होता है। तो इस तरीके से मैंने सारे भजिए बना लिए थे, और मूंग के दाल के भजिए ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और प्लीज़ पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर